अच्छा, कौन सी मूवीज ज्यादा देखते, पाकिस्तानी या इंडियंस? इंडियंस। क्यों, किस वजह से? उनकी स्टोरी अच्छी होती है, मतलब लाइक एक्शन अच्छा है, ओवरऑल मूवी जो उनकी एक्टिंग है वो बहुत अच्छी होती है, इस वजह से। और पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते? सच्ची पूछें तो ना स्टोरी होती है, ना उसमें कोई एक्टिंग होती है, ना कुछ और होता है। कौन सी मूवीज ज्यादा देखते, पाकिस्तानी या इंडियन? इंडियन मूवी देखते हैं, ज्यादा सैड मूवी हूं बस। तू सैड क्यों? बस आशिक बनने हैं। क्यों, कौन सी महबूबा छोड़ गई है? बस छोड़ गई है, सैड मूवी सैड सॉन्ग सुनते हैं बस, और कोई। भाई आप तो बहुत ही सैड, बहुत ज्यादा। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद दो मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। प्रभास की फिल्म अनाउंस हुई है जो कि रामचंद्र जी की शख्सियत पे मबनी होगी और 2022 में वो रिलीज होगी, तो उसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। और जो कॉम प्रेस ने उन्होंने उसका जश्न ये कहते हुए मनाया है कि अब हम गैर मुल्की या बैरूनी हमलावरों की जिंदगी पर फिल्म नहीं बनाएंगे, अपने हीरोज पे फिल्म बनाएंगे। बदकिस्मती से भी ये आप देख लीजिए कि जो बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट्स हैं, ये सारे सिनेमा के मालकान जो आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि बजरंगी भाईजान ने पाकिस्तान में कितने करोड़ों का बिजनेस किया, धूम थ्री ने कितने करोड़ों का बिजनेस किया, बॉडीगार्ड ने कितने करोड़ों का किया। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है इन फिल्मों का जाके टिकट लेकर इनको देखती है, उनको जबरदस्ती तो नहीं दिखाई जाती ना ये फिल्में, खुद देखती है ना। कौन, मैं, आप फोर्स करती है, मैं फोर्स करता हूं कि नहीं आपने नहीं देखनी ये फिल्म देखने, या आप जाए ये फिल्म देखने के लिए जरूरी है। बॉक्स ऑफिस पे टिकट जब वो खरीदते हैं तो अपनी मर्जी से खरीदते हैं ना। जिसके अंदर जो साउथ का सिनेमा है, तेलुगु और तमिल सिनेमा जिसका मैं मद्दा हूँ, बहुत अच्छा सिनेमा है, वो अब सामने आया है। एक बाहुबली से पहले का सिनेमा था, एक बाहुबली के बाद का सिनेमा। अब बॉलीवुड अकेला नहीं है, उससे कंपटीशन का सामना है। हिंदुस्तानी सिनेमा के स्टार्स इमर्ज हो रहे हैं और वो स्टार्स खान के जो सेकुलर इमेज था, जो छवि थी, उसमें डेंट डाल चुके हैं। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि कोविड के बाद बॉलीवुड के लिए, खास के लिए कमबैक करना आसान होगा, ये बहुत मुश्किल। तो आप मोदी ने मतलब उसको बना दिया है, तो वो जो लोग थे ना, जैसे गुलजार हो गए, सुधीर मिश्रा हो गए, हमारे पास बिमल रॉय का, सत्यजीत रे का सिनेमा था, वो पीछे निकल गया, वो कोई बाहर निकल गया, और इसकी जगह अब बाहुबली टाइप की वो जो हिंदू मिथ के ऊपर बेस करके फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, तो ये इसके बारे में जरा तफसील से बताइए। दीपा मेहता देखें जो कि पैरोल सिनेमा को लीड कर रही थी, या करण जौहर देखें जो पॉपुलर सिनेमा को लीड कर रहे थे, दोनों की अप्रोच सेकुलर थी, मगर अब सेकुलर अप्रोच खत्म। अब देखें कि खिलजी और अब्दाली का जो किरदार है उसे उस ढंग पे दिखाया जाता है जैसे वो नहीं थे, और उन किरदारों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है जो शायद मुगलों से जंग हार गए थे। हमें ऐसा लगता है कि आने वाली फिल्मों में, आने वाले हॉलीवुड के अंदर जो मुगल हैं, जिन्होंने एक ऐसी हुकूमत की जो सेकुलर अप्रोच भी रखते थे, इसमें अकबर जैसा बादशाह था, अब वो लीड पे नहीं आएंगे, उन्हें मरकजी किरदार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन राजा महाराजाओं को दिया जाएगा जो शायद मुगलों से जंग में हार गए थे। उसकी मिसाल हमने तानाजी टाइप की फिल्म्स में दिखी भी। ठीक, अच्छा इकबाल, एक मूवी का नाम तो हरमीत ने कर दिया, इस तर्ज पर बनाई गई कौन कौन सी मूवीज हैं जो भारत में बनी है लेकिन वो रिलीजन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं? असल में अभी हिंदुस्तान अलग अंदाज में बदल रहा है, अभी वो ये कहने के बजाय, चूंकि वो एक प्रभास की फिल्म अनाउंस हुई है जो कि रामचंद्र जी की शख्सियत पे मबनी होगी और 2022 में वो रिलीज होगी, तो उसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। और जो कॉम प्रेस ने उन्होंने उसका जश्न ये कहते हुए मनाया है कि अब हम गैर मुल्की या बैरूनी हमलावरों की जिंदगी पर फिल्म नहीं बनाएंगे, अपने हीरोज पे फिल्म बनाएंगे। रामचंद्र जी की फिल्म बननी चाहिए मगर उसे इस एंगल से ग्लोरीफाई करना, ये बताता है कि बॉलीवुड का चेहरा मस्त हो चुका है, बदल चुका है। जिस चेहरे पर कल तक वो सेक्युलरिज्म की मेकअप किया करते थे, उसकी जरूरत वो महसूस नहीं कर रहे। डिबेट में आपने ये देखा कि हमारे खान आ गए, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी हमारे खान से, उनकी फिल्में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन अब यह हुआ कि उस प्रोपेगेंडा के तहत पहले से उनकी फिल्म आने, आपने दिलवाले की मिसाल दी कि दिलवाले के आने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, तो खान के बैकग्राउंड में चले गए और उनकी बजाय सामने जो आ रहे हैं वो और लोग हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो सबसे बड़ी बात यह कि खान ने एक अरसे इंडस्ट्री पे राज किया और कोशिश के बावजूद कभी भी उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सका। अमिताभ बच्चन के बाद जो फिल्म आया था वो खान थे, मगर जब मोदी साहब आया, यानी कि मोदी साहब की हुकूमत आती है, तो फिर हम देखते हैं कि ट्रेंड्स बदलने लगते हैं। हमने देखा कि ये जो स्टार्स थे जो स्टार पावर पर रिलाई करते थे और इसके बावजूद कि मुसलमान थे, या उनकी बाबत रवैया बदला। शाहरुख खान की फिल्म थी दिलवाले, एक कमर्शियल फिल्म थी, हम उस फिल्म कोई मतलब पीस ऑफ आर्ट नहीं था, मगर मामला ये हुआ कि उन्होंने अदम बर्दाश्त से मुतालिक एक कमेंट किया, उस वक्त बीजेपी की हुकूमत ताजा ताजा थी, तो उनके खिलाफ शदीद रद्दअमल आया और सिनेमास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, कई शोज कैंसिल हुए, जिसकी वजह से फिल्म को करोड़ों का नुकसान हुआ। वो पहला डेंट था मेरे नजदीक जो खान के स्टारडम में लगा। उसके बाद हमने देखा कि आमिर खान साहब ने बेनिफिशियरी है, अगर खान के स्टारडम में डेंट लगता है तो उसका अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे अदाकार सामने आए। अभी हमने देखा कि राम मंदिर जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, जिसका
अजीदा है उस पर हम केस नहीं लगाना चाहते, मगर एक हसास मामला था और अक्षय कुमार ने उसके लिए चंदा देने की अपील करके ये ऐलान कर दिया, वाजे कर दिया कि वो अपनी सेकुलर इमेज को तस चुके हैं। कंगना रनावत की आपने बात की, उनका रवैया भी यही है, वो तो एक तरह से मोदी हुकूमत की तर्जुमान के तौर पर हमें दिखाई देती है, और इस तरह दीगर अदाकार या क्रिकेटर्स भी जो थे वो इसी रंग में रंगते हुए दिखाई दिए, मजबूरी के बायस या अपने मफादात के पेश नजर। अब मूवीज तो देखते होंगे? हाँ देखते हैं। अच्छा कौन सी मूवीज ज्यादा देखते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन? इंडियंस। क्यों, किस वजह से? उनकी स्टोरी अच्छी होती है, मतलब लाइक एक्शन अच्छा है, ओवरऑल मूवी जो उनकी एक्टिंग है वो बहुत अच्छी होती है, इस वजह से। और पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते? सच्ची पूछें तो ना स्टोरी होती है, ना उसमें कोई एक्टिंग होती है, ना कुछ और होता है, दैट्स व्हाई। नहीं, अब तो काम करने लगे, काफी अच्छा हो गया। पता नहीं, जब से हम देख रहे हैं तब तक तो काम नहीं किया, अभी उसके बाद का पता नहीं, अभी जब करेंगे तो फिर लाजमी बात है देखेंगे। आप मूवीज तो देखते ही होंगे? जी जारी सी बात है। कौन सी मूवीज देखते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन? इंडियन। अच्छा इंडियन मूवीज कौन सी पसंद है आपको? हमें ज़्यादा इमरान हाशमी की पसंद है और संजय दत्त की ज़्यादा एक्शन वाली मूवी ज़्यादा पसंद है। उसमें क्या ज़्यादा पसंद है मूवीज़ में इंडियन? रोमांस भी पसंद है, एक्शन भी पसंद है। और पाकिस्तानी मूवीज़ क्यों नहीं? पाकिस्तान मूवीज़ बस खच ही है, ना फुल एच डी है, ना कुछ स्टोरी, बस उनका चलो स्टोरी तो होती है, कोई टाइम जल्दी पास हो जाता है उससे। नहीं अब तो इतनी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। नहीं नहीं, इंडियन का मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तानी वक्त की। तो कौन सी मूवी ज्यादा देखते, पाकिस्तानी या इंडियन? इंडियन मूवी देखते हैं, ज्यादा सैड मूवी हूं बस। क्यों सैड? क्यों? बस आशिक बंदे हैं। क्यों, कौन सी महबूबा छोड़ गई है? बस छोड़ गई है। अच्छा और पाकिस्तानी क्यों देखते? बस पसंद नहीं है, बस सैड सॉन्ग सुनते हैं बस, शुरू से तकरीबन 15 साल की उम्र से ना सैड मूवी सैड सॉन्ग सुनते हैं बस, और कोई भाई आप तो बहुत ही सैड। बहुत ज़्यादा। तो इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में बैन कर दी गई हैं, चलो ठीक है, ये कंट्री के इशू से हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उन्होंने फैसला किया होगा अच्छा किया होगा, लेकिन बात यह है कि हमारी अक्सर जो है ना इंडियन मूवी को लाइक करते हैं, अगर वो नहीं चल रही तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी मूवीज़ उन्हें बनानी चाहिए कि जो उनकी कमी है ना वो पूरी की जाए। अब मतलब कि पहले ऐसा होता था कि अगर इंडियन मूवी अच्छी नहीं होती थी तो पाकिस्तानी मूवी अच्छी चल जाती थी, हम उसे देख लेते थे, अगर पाकिस्तानी अच्छी नहीं होती थी तो इंडियंस अच्छी होती थी, हम उन्हें देख लेते थे, लेकिन काम चलता रहता था। अब मतलब कि इंडियंस मूवी भी बैन है और पाकिस्तानी मूवीज़ भी अच्छी नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इसमें हमारी पब्लिक को भी नुकसान है, सिनेमाज़ को भी नुकसान है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी नुकसान है। तो इसलिए मतलब कि इन्हें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए अच्छी मूवीज़ बनाने का, क्योंकि अब पूरी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ देख लें सब A1 से A1 मूवीज़ बना रहे हैं, सब इंडियंस डायरेक्टर बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड के, प्रोड्यूसर्स बहुत फेमस हैं, इसलिए उनकी मूवीज़ चलती हैं उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नाम पे। तो हम भी अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को उस सतह पे देखना चाहते हैं। जो भारतीय फिल्में हैं, हमने देखा कि जब हालात ख़राब हुए उरी अटैक के बाद, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से किया गया, हमारे अदाकारों के साथ वहाँ पर जो सलूक हुआ, तो यहाँ पर सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी थी। और अभी ये जो नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया है, इसमें कुछ रूल्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो बताए गए हैं, और उसमें कहा गया है कि जो इंपोर्टर है, जो भी मूवी यहाँ पर मंगवाना चाहते हैं, एनी इंटरनेशनल मूवी इंक्लूडिंग इंडियन फिल्म्स, तो उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पहले इजाजत की ज़रूरत है, वहाँ पर वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में चला जाएगा, और NOC अगर इशू होता है, वहाँ से अप्रूवल आता है, तो ही ये प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा, और जो भी मूवी होगी वो सेंसर बोर्ड्स, जितने भी रेलेवेंट सेंसर बोर्ड्स हैं, वहां से अप्रूवल लेने के बाद ही चला पाएंगे, सिनेमा हाउसेस में चल पाएगी, उनकी नुमाइश जो है वो हो पाएगी।